नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर एसेसिबिलिटी सेटिंग्स कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर एसेसिबिलिटी सेटिंग्स करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसमें आपको दो सेटिंग्स देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर एक कैप्शंस का ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ से इस कैप्शन वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं, तो यहाँ से होगा क्या कि जो भी आप अपने इंस्टाग्राम पर रील वीडियो डालिएगा या पोस्ट में वीडियो डालिएगा, तो वीडियो में जो भी वॉइस होगा, जो भी आवाज़ होगा, वह टेक्स्ट के फॉर्म में आपके इंस्टाग्राम के वीडियो के ऊपर कैप्शन के फॉर्म में लिखाएगा। उस वीडियो में जो भी बोला जाएगा वह टेक्स्ट के फॉर्म में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इस लैंग्वेज को नहीं चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी आवाज़ होगा वह जिस लैंग्वेज में होगा वह लैंग्वेज में ऑटोमेटिक लिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटो जेनरेट का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी वीडियो का वॉइस रहता है, जिस भी लैंग्वेज में रहता है, उस लैंग्वेज में ऑटोमेटिक कैप्शन लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे आ जाना है। उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम पर जो भी यहाँ पर वीडियो डाले होंगे, आपको किसी भी वीडियो के वो यहाँ पर आपको ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैप्शन है यहाँ पर लिखा रहा है। अगर आप इस कैप्शन को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कैप्शन है उस पर आपको थोड़ा देर उंगली दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इस सेटिंग्स को बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब यहाँ पर हम फिर से एसेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जाते हैं। जाने के बाद अब आपको इसमें जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डार्क मोड का दिया गया है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम को डार्क मोड में करना चाहते हैं, तो आपको डार्क मोड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद होगा क्या कि जो आपका इंस्टाग्राम है वह पूरा ब्लैक स्क्रीन में हो जाएगा, तो यहाँ पर वह डार्क मोड में हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको वाइट करना चाहते हैं, यानी कि ऑफ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिस्टम डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि इंस्टाग्राम पर एसेसिबिलिटी सेटिंग्स को कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।